हेलो फ्रेंड्स आई एम प्राची वेलकम टू दिस चैनल सो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी एंड दिस इज़ पार्ट टू इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ कंपोनेंट्स सीखे हैं और पीएलसी क्या होता है ये भी हमने समझा है उसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में मैंने दिया है कि पीएलसी होता क्या है और अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारा बेसिक हमने पहले के वीडियो में समझ लिया है पी के कंपोनेंट में देखे हैं तीन कंपोनेंट, दो कंपोनेंट पावर सप्लाई तक हमने समझ लिया है आयो मॉडल समझ लिया है तो आज हम देखेंगे कि सी क्या होता है पी सिस्टम में यहाँ पे हमने ये डायग्राम भी समझी थी अब उसमें सी क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है तो सी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ दी हार्ट ऑफ द पी सीपीयू को क्या कहा गया है पीएलसी का हार्ट कहा गया है पीएलसी सिस्टम का हार्ड हम इसे कहते हैं हार्ट द फंक्शन ऑफ द सीपीयू इज़ टू स्टोर एंड रन द पीएलसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ये क्या है और इसका काम क्या है इसका फंक्शन क्या है कि ये पीएलसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्टोर करता है एंड रन करता है इट हेल्प्स टू परफॉर्म द बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इसकी मदद से बेसिक जो अर्थमेटिक लॉजिक्स होते हैं कंट्रोलिंग होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो सब इसकी हेल्प से किए जाते हैं जो कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सब सी की हेल्प से होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ दी थ्री सब पार्ट्स एज मेमोरी प्रोसेसर एंड पावर सप्लाई इसके थ्री सब पार्ट्स से फर्स्ट है मेमोरी सेकेंड है प्रोसेसर एंड थर्ड है पावर सप्लाई इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पी सिस्टम का डायग्राम है ये पावर सप्लाई सी मेमोरी प्रोग्राम डाटा तो ये हुआ सी उसके बाद है मेमोरी सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेमोरी सिस्टम भी हमें पता होना चाहिए तो ये जो मेमोरी है वो मेमोरी सिस्टम क्या होती है ये हम समझ लेते हैं और मेमोरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन मेमोरी सिस्टम का क्या काम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए स्टोर करने के लिए एंड रिड्राइव करने के लिए मतलब डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और उसको रिड्राइव करती है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी सच सचेज रैम रोम इप्रोम एंड फ्लैश मेमोरी जैसे कि हमारी रैम सभी को रैम और रोम तो पता ही होती है मोबाइल में हम लेने के जब हम मोबाइल नया लेते हैं तो तब उसका रैम रोम चेक करते हैं वैसे ही ईपरोम भी एक मेमोरी है और फ्लैश मेमोरी ये भी एक मेमोरी का टाइप है जैसे कि रैम रोम है वैसे ही ईपरोम और फ्लैश मेमोरी है ये कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है ये भी मेमोरी के नाम ही है और मेमरी इज़ क्लासीफाइड इन टू फोर सेक्शंस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ डाटा इट स्टोर और अभी मेमोरी भी चार सेक्शन में डिवाइड की गई है टाइप्स ऑफ डाटा इट स्टोर कैसे प्रकार का डाटा उसमें स्टोर होता है उसके ऊपर हमने इसे फोर सेक्शंस में क्लासीफाइड किया है सो so फर्स्ट है आईओ इमेज मेमरी दैट इज़ इनपुट आउटपुट इमेज मेमरी सेकेंड है डाटा मेमरी थर्ड है यूज़र मेमोरी एंड फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मेमोरी कौन सा भी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है जब हम उसे इनपुट देते हैं तो वो डाटा देखता है मेमोरी को यूज़ करना कैसा होता है रन करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है वैसे ही स्टेप्स से बस बाकी कुछ नहीं है तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि उसे हमने फोर सेक्शन में डिवाइड किया है वो है इनपुट आउटपुट इमेज मेमोरी डाटा मेमोरी यूज़र मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिव मेमोरी देन उसके बाद है ये जो है ना इनपुट आउटपुट इमेज मेमोरी डाटा मेमोरी यूज़र मेमोरी एग्जीक्यूटिव मेमोरी ये ब्रीफली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यहाँ पे फिफ्थ कंपोनेंट देख लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता क्या है दी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर यूज़फुल फॉर एक्सचेंजिंग दी इंफॉर्मेशन और डाटा बिटवीन कनेक्टेड डिवाइसेज थ्रू अ नेटवर्क इसका काम क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का ये यूजफुल होता है किसके लिए एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन इन्फ, और डाटा को एक्सचेंज करने के लिए जो कि डिवाइस कनेक्ट होते हैं उस नेटवर्क में उसके बीच में ये क्या करता है इंफॉर्मेशन और डाटा को एक्सचेंज करता है the useful information or data are communicated by the specific communication protocol जो हमारे पास useful information और data है उसको ये communicate करता है by the specific communication protocol के help से ये communicate करता है useful information और data को then उसके बाद है PLC program PLC programming की क्या जरूरत होती है You need PLC program मीन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग टू लाइव द कम्युनिकेशन्स बिटवीन डिफरेंट सर्किट्स ऑफ दी पी एल सी पी एल सी में जो भी डिफरेंट फंक्शंस पी एल सी में नहीं कौन से भी मशीन्स में जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए उसकी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है इसलिए पी एल सी में प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसकी हमें बहुत ही नीड है मतलब कोई भी हमें कंट्रोल करना हो फंक्शन किसी भी मशीन का इंडस्ट्री में तो उसके लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ता है और तब की वो इंस्ट्रक्शन उस मशीन को मिलता है उसे स्टॉप होना है या स्टार्ट होना है ये सभी हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से करते हैं सो so ये हुआ हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग देन हाउ डज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क अब ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क कैसे करता है ये पीएलसी कैसे वर्क करता है The most important working principle is the PLC is operated by continuously scanning programs. अब ये जो PLC है, इसका working principle क्या है? ये किस पे operate होता है? जो data है, वो scan करता है. Scanning program, जो data है, वो scan करता है PLC. Scanning happens every time per millisecond. और ये scanning पर मिली सेकेंड पर होता रहता है क्योंकि मशीन के एक्शंस चेंज होते रहते हैं वैसे ही पर मिली सेकेंड पर एवरी टाइम ये चेक करता रहता है स्कैनिंग होता रहता है सो इट इज़ कॉल्ड एज स्कैन साइकिल और इसे ही हम स्कैन साइकिल कहते हैं फॉर दिस स्कैन साइकिल पी एल सी रिक्वायर्ड लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम इन द रेंज ऑफ मिली सेकेंड और एम एस और उसमें का टाइम जितना लगता है हमें स्कैन साइकिल के वो मिली सेकेंड होता है और एम एस के भी हम उसे कहते हैं वॉट आर द बेसिक पी एल सी स्कैन साइकिल अब बेसिक पी एल सी स्कैन साइकिल क्या है द स्कैन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री बेसिक मेन स्टेप्स स्कैन साइकिल में कुछ थ्री मेन स्टेप्स होती है वो कौन सी है फर्स्ट है रीड द इनपुट इनपुट को रीड करना सेकेंड है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बाय सी पी यू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ सी पी यू थर्ड है अपडेट द आउटपुट और हमें आउटपुट मिलता है तो ये स्कैन साइकिल क्या है ये भी हम डिटेल में समझेंगे इसके नेक्स्ट बाद का हम जो वीडियो देखेंगे उसमें हम व्हाट इज़ स्कैन टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ पी और स्कैन साइकिल इसे हम पूरी तरह से समझेंगे कि ये होता क्या है और लैडरलॉजिक डायग्राम भी हम समझेंगे सो थैंक यू